मुकुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज के, रविवार है, त्रिवार है, दूर दूर से लोग आते हैं। सागर वाले तो यहीं रहते हैं, वो भी कभी कभी हरकतें करते हैं। जो दूर से आए मेहमान, उनके लिए पहले जगह दे देना चाहिए। अभी लघुपत से मुझे यहाँ तक ले आए तो हमने पूछा, ये नया नया सा लग रहा है पथ, अभी तक तो आना जाना तो होता था, वो इस प्रकार नहीं लाया जाता था, क्या है महाराज? वह सुबह की सभा के लिए है और ये रविवार की सभा के लिए है। छोटी पंचायत सुबह वहाँ पर होती है और ये हफ्ते में ये बड़ी पंचायत, और ये पंचों के भी बड़े पंच होते हैं, उनके लिए हुआ करती है। किंतु कैसे भी कुछ भी हो, इस यहाँ के व्यवस्था के लिए लोग तो परिचित है ही, वो पहले से ही जगह को व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे गजरत महोत्सव हो रहा हो तो जयनेत्र आकर के बैठ जाते। यह जिज्ञासा एक प्रकार से इसमें तो तुलना नहीं होती, प्रश्न के अनुसार कुछ अंतर हो सकता है, किंतु जिज्ञासा भीतरी होती है तो वह कुछ स्पष्टता चाहती है। जो उलझने हैं उससे हट करके उसका परिचय हमें प्राप्त हो, वो चाहती है। तो मैं अल्प समय में सही, किंतु आप लोगों का जो कुछ भी अंतरंग है उसको ध्यान में रख करके कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, बताता आता हूँ। अब वो कहाँ तक आप तक पहुँच जाता है ये नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों की जिज्ञासाओं में से तो ऐसा लगता है आप उसको जीवन में चाहते हैं। तो यही एकमात्र जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा है। हम जी तो रहे हैं किंतु वह बंद करके नहीं जी रहे हैं, और हम कह तो रहे हैं किंतु वह अंतरंग ध्वनि से नहीं कह रहे। इसलिए कि जनता हमेशा हमेशा पाने के लिए और होने के लिए प्रयासरत रहती है, उसको हम ज्ञानी ध्यानी और शब्दों के माध्यम से न कह करके वह एक प्रकार से लघु पथ सही किंतु गुरु बनने की जिज्ञासा उसकी वह उत्कंठा उसकी वह एक प्रकार से प्यास उसे हमेशा हमेशा उसी पथ की ओर ले जाती रहती है। भले ही वह छोटे कद का है किंतु कद जितने भी हैं वह सारे सारे सरहद तक ही रहती है, फिर मंजिल में कोई कद नहीं हुआ करता। हम फोटो निकालते समय हमेशा हमेशा देखते हैं हमारे कद के अनुसार तो हमारा फोटो पहले आएगा, और आपका तो फोटो शायद संभव है किसका किसकी में निकल भी जाए आप बाहर। तो ऐसी स्थिति में ये वहाँ शांति नहीं मिलती। लेकिन जहाँ पर लघुपत से गुरुपत की ओर जाने का भाव रहता है, अपने आप को लघु स्वीकार करना एक बहुत बड़ी वस्तु है।
बनने के लिए पहले अपने आप को लघु मानना पड़ेगा। हम आरोग्य धाम बनना चाहते हैं, रोग के धाम हैं हम, इसको पहले स्वीकार करना होगा। और उसके लिए हमारी दवाई स्वयं के काम नहीं करके जो वैद्यों देंगे वही एकमात्र कार्यकारी होती है। उसमें कई प्रकार के अंतर आ सकते हैं, यह उसकी बुद्धि में नहीं आते, वही एकमात्र इस लघु से गुरुपद तक पहुंच जाता है। रघुकुल के होना अलग है, रघुकुल के होना अलग है और लघु कुल के होना अलग है, बहुत अंतर है। हमारे राम रघुकुल के थे किंतु गुरुकुल के भी थे, उनमें सारे सारे गुरुत्व छिपे हुए थे, इसीलिए वो वृद्ध के लिए भी, आह्वान के लिए भी, प्रौढ़ के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी, मंदिर के लिए भी, किसी के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र उनका जीवन बनता था। यही एकमात्र उस व्यक्ति की कद है। और वह कद फोटो में आ जाए तो बात अलग है, वह कद कभी भी फोटो में आती होगी लेकिन एक्सरे में नहीं आती, नहीं समझे, उसमें भी और डीप एक्सरे हो। आजकल के गलियों में सब लोगों के गलों में लटक रहे हैं मोबाइल और जो फोटोग्राफी करते हैं, नहीं समझे, किंतु उसमें अपना कुछ नहीं दिखता, ऊपर का मात्र शक्ल आता है और वह शक्ल को ही हम अपनी हद मान लेते हैं। ये हद हो गई हमारी बुद्धि की, हमारी हद हो गई, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, उस गुरुपथ को चुन नहीं पा रही है। लेकिन छोटी भी बुद्धि बहुत विशाल गुरुपथ को भी पहचान सकती है, यह महापुरुषों में हम देख सकते हैं। इसलिए रघुकुल अलग है और लघुकुल अलग है। गुरुकुल के भाव राम के जीवन में हमेशा हमेशा बने रहते थे, किंतु अपने आप को लघु मानना उनका एक स्वभाव सा हो गया था। इसके कारण लक्ष्मण को कई बार संकोच होता था, ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसको जिस कद के रूप में देखना चाहिए उसी रूप में प्रस्तुत कर लेना चाहिए, नहीं, हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो यह अपने को गुरु मान करके नहीं, अभी वर्तमान में मानिए नहीं किंतु बनने की क्षमता रहती है, ये संस्कार एक प्रकार से गुरुकुल में दिए जाते थे। इसीलिए राम गुरुकुल के स्वभाव वाले थे किंतु लघु पथ को चुन करके चलते थे। और महान हाईवे है, राजपथ है, उसको छोड़ करके उन्होंने पगडंडियों को ना पाता, उन पगडंडियों में जब वो खो जाते थे उस समय उन्हें ऐसा लगता था मैं एक निर्विकल्प समाधि में आ गया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पूछने वाला जाता नहीं था, जाए तो प्यासा और भूखा बन करके रह जाए, वहाँ पर कौन रखा क्या रखा है। किंतु जब इन सबसे ऊपर उठना चाहता था वह उस राम की गलियारों में भी घूमना चाहता था, और वो भाग्य है वह जब मिल जाता तो शबरी को भी वह हद कर देता। वह शबरी आम जैसे नहीं थी, वह बहुत सब्र रखती थी किंतु प्रतीक्षा में आकुलित नहीं होती है, होती थी जैसे आप लोग हो जाते, सही बताओ, प्रतीक्षा में आप आकुलित होते हैं कि नहीं,
क्या कहें महाराज, हम तो सीधे सीधे ही आपको कई बार कह चुके। मैं सोचता हूं भैया ये भी इनकी हद है, जिस हद के अनुसार वो बोल रहे हैं यही इतनी कद है उनकी। ये कहो ना, जो भगवान से जो संबंध रखते हैं वो भगवान से शिकायत करो, नहीं समझे हमसे क्यों शिकायत करते। हमने तो सब कुछ छोड़ रखा है बड़े बाबा के ऊपर। ध्यान रखो, बड़े बाबा के पास जाओ तो दरवाजा नहीं खुलेगी। हाँ ऐसा नहीं चल सकता, वो हमारे लिए करते हैं ऐसा नहीं। आप तो कुछ बनना चाहते नहीं और जो बने हैं उसी को थोड़ा सा हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें कोई हाइट नहीं होती है। आप अपने आप को भूलोगे, अपनी चिकित्सा करोगे और वहाँ पर कोई भाग्योदय में की फोटोग्राफी होती है तो वह आपकी ऊपर की फोटोग्राफी वहाँ पर नहीं है। ये छवि ग्रह में जाओ ये सब होता जाएगा, वहाँ पर भीतरी छवि की बात होती है। आत्म तत्व क्या है यही एकमात्र अध्यात्म नहीं किंतु उसको ढूंढ निकालने का यंत्र जहाँ पर लगा हुआ रहता है वह मुख्य माना जाता है। कि कोई भी डॉक्टर संतुष्ट नहीं होता ऊपर की शक्ल को लेकर के उनको दे दो, ये आता ही नहीं वो उसमें। यहाँ से छूट करके भीतरी चीज ही आती है और आप बाहरी चीज अच्छी बनाना चाहते हैं और भीतरी बात को हमेशा विकृत रखना चाहते हैं। विकृत का मतलब उसको मांझने की बात आप नहीं करते। किंतु जो व्यक्ति क्षुधा प्यास इत्यादि को दूर करने के बारे में कुछ मंथन कर रहा है वह व्यक्ति बाहरी नहीं किंतु भीतरी सोचता है। आयुर्वेद के भीतरी माध्यम से चिकित्सा प्रारंभ करता है और वह बाहर वाला भी सोना जैसा चमकने लग जाता है। ये बात अलग है, लेकिन आप बाहरी सोने को ही चमकाना चाहते हैं, सोने को कोई चमकाया नहीं जाता है। उसके ऊपर ये मान लो किट्ठी आकर के बैठ गई है, उसको दूर करने के लिए उस भट्टी में उसे उतारना पड़ता है। उस भट्टी में सारे तरह हमारा सोना जल जाएगा, नहीं जलता, वह जलने वाला नहीं किंतु वह ज्वलनशील न हो करके वह इतना प्रकाश पुंज है, आपको वह एक प्रकार से संतुष्ट कर देगा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो यह है कंचन से कांच से कंचन बनने की प्रक्रिया महापुरुषों के जीवन में आदि से लेकर के अंत तक सहज रूप से रहती है। अब ये बात लगा कि समय के अनुसार उसमें बदलाहट आते रहते हैं। तो आप लोग उस यंत्र की ओर देखो जो ग्राफी तो है लेकिन भीतरी उस रोग के बारे में आकृति बताने वाला होता है। कोई भी अंग वांग वहाँ पर क्षतिग्रस्त होता है उसकी एक आकृति अलग रूप से उभर करके सामने आ जाती है। उस पर उन डॉक्टर और वैद्यों की दृष्टि टिक जाती है। उसको देख लो आप, आपको समझ में नहीं आएगा। महीनों नहीं वर्षों जब अध्ययन होता है तब कहीं जाकर के उस आकृति में बाहरी क्या है और भीतरी क्या है, स्वरूप क्या है, ये निर्धारण एक बार में हो जाता है। ये ध्यान रखो, आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन पद्धति है चिकित्सा की। आज एलोपैथी एक प्रकार से चीन जैसे बहुत आगे बढ़ रहा है। इतना आगे बढ़ गया उसकी पद्धति में बहुत कुछ है। आधुनिकता तो आ गई लेकिन जहाँ रोग और उसकी आकृति है वहाँ तक उनकी नाड़ी के फड़कनों की आवाज़ अथवा गिनतियाँ नहीं आ पाती।
यहाँ तक कि इसमें ज्वर है क्या नहीं, ये बोध यंत्रों के द्वारा नहीं होता। और कहीं कहीं पर नाड़ी भी फड़गंक से कमजोर हो जाती है, वहाँ पर भी उसकी चाल को देख करके निदान किया जाता है इसमें यह रोग है। यह सारा का सारा इतिहास हमारा किताबों तक तो रह गया है किंतु बाहर नहीं आया। नए नए यंत्रों के आविष्कार तो होते जा रहे हैं किंतु उन यंत्रों के साथ साथ उस रोग तक पहुंचने के लिए यह आयुर्वेद, आयु को जो जान सकता है उसका नाम आयुर्वेद है। इसका मतलब यह केवल शरीर की चिकित्सा चिकित्सा नहीं है किंतु आयु आयु को जानने वाला, क्योंकि जीवन हमारा कोई स्वाभाविक जीवन नहीं है। यह जो जीवन है आप जी रहे हैं यह पराश्रित है, यह शरीर के आश्रित ही नहीं किंतु आयु कर्म के ऊपर आधारित है। उस आयु के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आयुर्वेद तो बहुत पीछे रह जाएगा। आज आयु को केवल जो मैटर या पुद्गल की चीज मानता है वह व्यक्ति बहुत ही अभी दूर है चिकित्सा के क्षेत्र से। इसलिए हमें चाहिए उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आयु क्या है, आत्मा क्या है, इसको देखने की आवश्यकता। बफाल की बात है, हम VIP रोड पर प्राय करके प्रतिदिन ज़्यादा जाया करते थे, वहाँ से शौचालय से निवृत्त होकर के आया करते थे। तो वहाँ पर देखा गया था एक दिन सामने से है उनका नाम आयु चिरायू, हाँ चिरायू चिरायू महाराज, यह आपका ही लड़का है, अच्छी बात है, इसके लिए ऐसा आशीर्वाद दे दो ये चिरंजीव हो जाए। अरे भाई लड़के का नाम तो चिरंजीव है, अब मैं अपनी तरफ से कैसे आपके लिए कह सकता हूँ। सुनो, हमारे लड़के के लिए तो आप स्वयं के लड़के के लिए तो चिरंजीव ये वरदान चाहते हो मुझसे, और दूसरे के लिए तो फिर हम कह देते हैं भैया चिरंजीव तो कोई होता नहीं। नहीं समझे, चिरंजीव वह बनता है जिसको भगवान बोलते हैं। जो अनंत काल तक जिएगा चिर रहेगा उसका नाम चिरंजीव है। तो भगवान ऐसे आशीर्वाद तो दे नहीं रहे, और हमसे आप हर एक को हमारा चिरंजीव का आशीर्वाद है। चिरंजीव का आशीर्वाद पहले से जब रख दिया है सब लोगों का नाम चिरंजीव हो गया तो अब भगवान बन ही गए वो, ये नहीं तो फिर महाराज आपका क्या कहना है। हम ये कह रहे थे वहां भोपाल में चिरायु जो शब्द कहा है तो महाराज आप क्या आशीर्वाद दोगे। हम तो ये आशीर्वाद देंगे वह चिरायु तो बाद में बनेगा, वह आयु कर्म के ऊपर आधारित नहीं है, किंतु सर्वप्रथम हम उन दवाएं और चिकित्साओं के माध्यम से पूर्णायु की कामना तो कर सकते। सुन रहे हैं, सुन रहे तो दो ही तालियां क्यों बज रही, धन्य है। अपना मूल्यांकन नहीं, दूसरे के कहने से फिर बाद में ताली बजाते हैं। फिर मान लो आपके इस तालियों के लिए मैं ताली बजा दूं तो क्या होगा। ये बल बचते ही और बचवा देते हैं, मांगने से आप थोड़े से दर रेट बढ़ा देते और मांगने से आप दर घटा देते, लेकिन कभी कभी इतने घटा देते इतने घटा देते 1000 कह करके 10 रुपये में बेच देते। वो भी उधार हो तो कोई बात नहीं, बाद में ला करके दे दो ताकि हमें तो ग्राहक नया बनाना है। ये सब बहानेबाजी है, इससे कोई तथ्य नहीं। तो आप क्या आशीर्वाद दोगे महाराज। हमने कहा
हम सब लोगों को पूर्ण आयु, हाँ बीच में इनका मरण ना हो। अकाल मरण से जो कोई भी व्यक्ति मरे नहीं, किंतु आयु को पूर्ण करके मरे, तो आयु को पूर्ण करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही चिरायु बनना है। इसलिए इस भाग्य व्यय में चिरायु की भी कल्पना रखना चाहिए। केवल एलोपैथी के माध्यम से आप अपने ऊपर की चिकित्सा करके जाओगे ठीक नहीं बैठेगा। ये आलोचना नहीं है, किंतु आंखें खोलने के लिए पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि दो दिवसीय आप लोगों ने अभी बहुत भाव के साथ यहाँ पर चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद को लेकर के किया है। कोई भी जानकारी वह आलोचना के पात्र नहीं, किंतु उसकी पद्धति में कहाँ पकड़ है, क्या मूल है और उसका फल क्या होना चाहिए, कहाँ पर गलतियाँ हैं। आप प्राचीन काल से 10,000 वर्ष प्राचीन भी ग्रंथ संभव है हम लोगों की दृष्टि में नहीं आ रहे हैं, लेकिन होंगे, क्योंकि यह भारत उसी प्रकार का इतिहास का पिटारा है, इसको खोजने वालों की आवश्यकता है। अभी भी यहाँ के जो दो कोई स्थान है, उन स्थानों का निरीक्षण पठन पाठन अध्ययन वगैरह करके विदेशी लोग इसमें से खोजते रहते हैं। आप लोग तो मिट्टी को खोदते रहते हो, किंतु सम्यक दृष्टि को आप कभी भी अपना विषय नहीं बनाते, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ आपके सामने उसका स्वरूप रख सकते हैं। वह हमारे आँखों का विषय नहीं, एक नग है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का एक प्रथम एक प्रकार से अमोघ शस्त्र है, अथवा सीढ़ी है, अथवा साधन है, और अथवा उस मोक्ष मार्ग का एक अंग है। एक अंग के द्वारा कभी भी हम अंगी की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए हमारा कहना है कि पूर्णायु बनने के लिए सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक ज्ञान की महिमा और इन दोनों के साथ सम्यक चारित्र की युक्ति भी परम आवश्यक है। उसको जोड़े बिना इन तीनों में से जो रस निकलेगा वह नहीं निकल पाएगा, क्योंकि तीनों का मिलाना अनिवार्य। छोटा सा उदाहरण देकर के मैं इस कार्य को समापन करूंगा, क्योंकि आप पहले भी आधा घंटा लगभग सुन चुके हैं, नहीं समझे उन्होंने क्या सुनाया आपको तो मालूम है। आप भी बताओ महाराज, हमारे लिए सुनाया हो तो हम बता देंगे, हमारे लिए तो है ही नहीं, वो तो दूसरों के लिए है। उसी प्रकार हम उनके लिए भी और आपके लिए भी ये उदाहरण देना चाहते हैं, ताकि दोनों संतुष्ट हो जाए। भीतर से हो या न हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भीतर आत्मा रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता। बाहर वाले आंखों में से दो पानी बूंद निकाल दे, आंसू, और वो फिर बाद में सूख जाए, लेकिन हम बाहरी और भीतरी संबंध को हरियाली के साथ संबंध जोड़ देना चाहते हैं, ताकि उसका सिंचन बाहर भी होता रहे और भीतर भी हरा भरा बना रहे। यह हरा भरा कैसे बनाए, देखो एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति एक गुरु पहुँचे हुए थे, उनके पास जाता है, किसी के कहने से प्रेरित होकर के जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो उनको छोड़ना नहीं, तो वह आया। आने के उपरांत उसके पास जो कुछ भी पूर्ण भूमिका आवश्यक है वो करके आया है, बैठ गए। गुरु जी बैठे थे और जो शिष्य हैं उनको पढ़ा रहे थे, सुना रहे थे, बता रहे थे, और बीच बीच में पूछा करते थे, क्यों ये समझ में बात आ गई। तो ये सब कुछ हो रहा था
उसमें ये नया लड़का पहुंचा। पहुंच करके आ गया वैसे ही और दूर से खड़े हो करके घुटने टेक करके और साष्टांग नमस्कार करके अपने ही सीमा में बैठ गया। उसके ऊपर भी दृष्टि गुरु की पहुंच गई, क्योंकि एक शिष्य की दृष्टि दूसरे शिष्य पर न पड़े। क्या समझे? हाँ, एक शिष्य कोई भी है उसकी दृष्टि केवल गुरु के ऊपर पड़े और गुरु की दृष्टि प्रत्येक सामने वाला बैठा दर्शक के ऊपर पड़े, ताकि वह समझ सके देखो मैं अभी अभी आकर के बैठा हूँ, अपरिचित हूँ, अज्ञात हूँ, फिर भी मेरी प्रति उनका जैसे पहले से ही परिचय हो ऐसी दृष्टि हमारे ओर आई है। कैसी दृष्टि? एक प्रकार जीवित दृष्टि इसको बोलते हैं। ये उधर को इधर उधर हो जा, महाराज की हमारे पर दृष्टि पड़ेगी। अरे ये तो सोचो, आप इधर उधर पर हो जाओ ऐसे क्यों कह रहे हो? ये जो सामने बैठा है उसके ऊपर दृष्टि पड़ेगी और जो पीछे बैठा है उस तक भी वह सुनंग मार से जाएगी, उसको भी छेदेगी, उसको भी छेदेगी। अब देखो वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं होने के खड़े होकर के सुन रहे हैं, उनके पास भी दृष्टि जाती है। हाँ, आपकी कद बैठ करके सुनते हैं ना, उसमें ज्यादा ज्यादा 3-3.5 फीट की हो जाती, और हमारी दृष्टि जो है ना वहां तक जाएगी 5-6 फीट ऊपर से, उसको कौन रोक सकता है? आप भावना बलि रखो, गाना महाराज तो हमारी ओर देखे, आपकी ओर कहा जो बेटा है उसकी ओर देख रहा हूं, ये देख रहा हूं कि कौन कौन आजू बाजू देख रहा है, वो सब आ रहे हैं इसमें। वो जितना गेल उधर देखेगा तो वो घोड़े की भांति उसकी पिटाई अवश्य होगी। ऊपर से वह रहता है, क्योंकि उसके बिना सही सामने हम देख ही नहीं सकते। हो गया एक काम। जब उसको बहुत प्रसन्नता हुई, फिर बाद में बीच में बंद करके कहा, हाँ देखो बहुत दूर से एक व्यक्ति आया, एक लड़का आया है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना है। तो वह उसको लाया गया, बोलो कहाँ से आए, कैसा है, सब परिचय हो चुका। फिर उसको कहा गया, क्या उद्देश्य ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल इसी को ठान करके मैं आया हूँ। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, कोई अनुबंध आयु संबंधी नहीं रहेगी। इतने वर्ष यहाँ पर रहना होगा, पढ़ना होगा, वो करना होगा, ये करना नहीं होगा। बस हम इसको इसी रूप में आपसे कहेंगे और इसको करते जाओ। ठीक है, उसने कहा, सब कुछ हो गया, लेकिन एक वर्ष के ऊपर दो वर्ष के बाद चार, इस प्रकार होते चले जा रहे हैं और गुरु जी कोई पूछ नहीं रहे हैं। हाँ, तुम्हारा अब काम हो गया और जो कुछ भी कार्यक्रम था वो पूर्ण हो गया, तो अब जा सकते हो। संकोच में पड़ गया हूँ, ये अनुभव तो रखते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब कैसे पूछेंगे? तो उसने साहस करके विनय के साथ पूछा, महाराज अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कि मैं वहाँ पर भी अनुबंध करके आया हूँ, मैं जब वहाँ का कार्य पूर्ण होगा तो मैं वापस लौट करके आ जाऊँगा, माता पिताओं को कह के गया हूँ। तो ऐसा ना हो कि माता पिता मेरी प्रतीक्षा करने लग जाए, इसलिए मैं आपके पास सामने ये कहना चाहता हूँ, यदि हमारा पूर्ण काम हो गया हो तो आप हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह आकुलता न हो जाए। तो वह उन्होंने कहा, ठीक है कल आ जाओ, सब हो जाएगा।
मैंने सोचा क्या क्या आया, क्या क्या पढ़ने में आया, क्या क्या चीज़ें आ गई, क्या उपलब्ध हुई, कोई पूछेगा तो क्या बताऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये एक सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार इसको आप सिद्ध कर सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को इस रूप में यदि ढूंढने के द्वारा ढूंढते चले जाएंगे, यह सब मिश्रित होकर के स्वर्ण का रूप धारण कर लेंगे। ये ले लूँ, बस वो सोचता है कि भैया इतने काल में सोना बनाने की तैयारी, सोना बनाने की हमारे पास क्षमता आ गई, गया बार पीटर तो घर आ गए, सब क्या लेकर के आए, वहाँ आए हैं, अब बहुत जल्दी आपके सामने आ जाए। तो वह रसायन की प्रक्रिया में लग गया और सब कुछ क्रम से घटित होता जा रहा है। पीलापन तक तो आ गया वो, नहीं समझे, और आप जानते हैं सोना भी पीला, पीतल भी पीला, धतूरा पत्ता भी पीला, नहीं समझे, और ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। साहूकार कोई है और उसके लिए मान लो एक सोने का क्या पदक बोलते हैं, क्या पदक, स्वर्ण पदक, तो दिख गया, अरे ये क्या बात हुई, आज तो भगवान ही होगा, सुबह उठते ही आज स्वर्ण पदक हमें देखने को मिला, जल्दी जल्दी उठा करके देखो ये तो स्वर्ण पदक है। अब इसके उपरांत सोने का ये स्वभाव है, जब किसी के हाथ लग जाए तो उसको डर भी लगता है और वो भी होने लगा। तो इसलिए कवियों ने कहा है ये स्वर्ण भी पीला और धतूरा भी पीला, ये दोनों के कारण उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, रखें या न रखें, तुम्हारे पास आया ही क्यों, आदि आदि बातें होने लग जाती। तो उसको जिज्ञासा थी, जल्दी जल्दी बना करके अपने को देखना, तो बना लिया, पीला तो बन गया, किंतु स्वर्ण के जो चिन्ह है, पहचान है, उसमें वह नहीं आ पाया। स्वर्ण को कसा जाता है, स्वर्ण को जलाया जाता है, स्वर्ण को तोड़ा जाता है, स्वर्ण को और घिसा जाता है, अनेक उसकी पहचान के साधन हुआ करते। इन सब कसौटी में वह डली नहीं आई, पारा गर्म हो गया, उस पीली में पारा नहीं डला था, और ये पारा नहीं डलते हुए भी उसका पारा गर्म क्यों हो गया, गर्म नहीं होगा तो ठंडा होगा क्या, और किसके ऊपर गर्म हो रहा है, उसी के ऊपर जो जिसने 12 साल खा ली, 12 साल तक में रहा, और अंत में यह स्वर्ण बनाने की उन्होंने बता दी युक्ति, ये स्वर्ण तो बनाना नहीं, बनना नहीं, और ये हो गया, गुस्सा में आ गया वो। गुस्सा में आते ही गुरु जी ने देख लिया, दृष्टि तो थी उनकी, हाँ आवेश में आ गया, वो आना स्वाभाविक है। जब थोड़े थोड़े समय में मौसम बदल जाता है तो जो सुकुमार होते हैं उनको इस प्रकार की बीमारियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, और जो व्यक्ति इससे अभ्यस्त हुआ है वह उसको भगाने में सक्षम हो जाता है। तो उन्होंने देखा आए तो है, पारा तो गर्म हो गया, भारी पारा माना जाता है, बहुत भारी होता वो, लेकिन उसको भी आपका खून एक प्रकार से ऊपर उठाता है। आपके खून में कितने टेम्परेचर है ये नापना बहुत कठिन है, भाग्य देने कोई यंत्र नहीं है, उसमें बहुत तापमान है, और उसी तापमान के माध्यम से आयुर्वेद कहता है कि इनको इस प्रकार की चिकित्सा बता दो जिसके द्वारा यह उद्दीप्त हो जाए, फिर उद्दीप्त होने के उपरांत उसके लिए और कोई दवाई देने की आवश्यकता नहीं, अर्ध रोग हरी निद्रा और
सर्व रोग हरित छुरा। दो मंत्र हैं कि अच्छे ढंग से नींद आ जाए आदि तो बीमारी भग जाती है, और अच्छे ढंग से भूख खुल जाए तो फिर जो है इधर उधर की बातें करने की आवश्यकता नहीं है, तो रोग अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन आज दोनों यहाँ पर यंत्र नहीं है, आप खरीद सकते हैं जहाँ कहीं भी इसका इसकी दुकान वगैरह है वहाँ, लेकिन उसकी चिकित्सा सीखने के लिए 12 वर्ष बहुत कम है। वर्षों जब अध्ययन करते हैं तब यह उसकी नाड़ी पर उतर आती है, उसके तर्जनी मध्यमा और अनामिका के ऊपर आना ये बहुत कठिन होता है। इन तीनों के माध्यम से वातपित्त कफ इसका ज्ञान और एक एक जो है तत्व जो विकृत हुए हैं उसमें कौन सा बलवती है और कौन सा कमजोर है ये भी जानने में आ जाता है, और उसके माध्यम से निदान होता है, फिर निदान को कभी भी आगे पीछे किया नहीं जाता है। और यंत्रों के माध्यम से चल रहा यंत्र एक दो दिन में एक दो वर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कहाँ से पुनः नए नए यंत्र हम लाए। फिर भी भाग्य इसका प्रबंध करता है और उसको पूर्ण करने का संकल्प है करता है, फिर भी निदान की जो पद्धति है वर्तमान में वो बहुत कमजोर पद्धति, वो भारतीय पद्धति नहीं है। वातपित्त कफ को जानना आवश्यक है, जब वह उसमें सफल नहीं हुआ तो आकर के सामने कहता है यदि ऐसा होता तो बता देते हैं 12 साल तो हो गया तुम्हारा, अब तुम अपना घर जाओ जा सकते हो और अपना काम हो जाएगा। लेकिन आपने बुलाया और कहा यह सोना वनन की जो है युक्ति है इसको सीख लो वो कर लो हमसे कर गए, बना लिया आपने, बना तो लिया, पीला तो बन गए, इसके आगे कुछ नहीं बना। अच्छा गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं, यहाँ तक तो आपका रास्ता ठीक है, यहाँ तक आ जा फिर इसकी उपला मेरे पास आ जाता, आवेश में क्यों आ गए। हाँ जो सही है वो तो यहाँ तक तो आ ही गई, यहाँ तक तो आना ही है, अब यहाँ तक आने का अर्थ ये नहीं कि मंजिल पूर्ण हो गए, तो आपने बताया कि नहीं, तो ये इस प्रकार करने के उपरांत अंत में तो बता दूंगा, तो वहां रुके क्यों, तो आप बताओ इसके लिए कोई रास्ता अभी तक नहीं बताया। बताया तो है लेकिन उसको आप नहीं समझ पाए, तो आपको समझाने का काम था नहीं समझाए। हाँ आप जब तक उसके बारे में पूछेंगे नहीं प्रक्रिया बताएंगे नहीं तब तक मैं उसको बताना उचित नहीं समझता, क्या हुआ तो उसकी गंभीरता की आवश्यकता, क्या बता बताओ हमने ये बताया था इस प्रकार कर लेना, फिर इसके उपरांत इसके साथ नींबू के रस का हमने। हाँ ठीक है नींबू तो इतने कड़क नहीं बोलता जितने तुम बोलते हो, है नींबू तो ऐसा है कि वह एकदम आप गर्मी के समय में भी अपने कंजे में वो ले लेता, शिकंजे में ले लेता वो, और आपको शांत बना देता। तुम इतने बड़े हो करके इतने क्यों गर्म हो रहे हो, पारा तो गर्म नहीं होना चाहिए, तो हो जाता है, हो जाता है इसलिए उस दो तत्व भी है खून में, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आप बताओ क्या करना था, करना तो ठीक था अपने नींबू के रस का पुट भी ले लिया अंत में सब कुछ हुआ, लेकिन और कौन सा लेकिन जब पूर्ण तो किया हमने कार्य क्यों नहीं पूर्ण हुआ, तो कहते हैं उस नींबू की रस को निकालने की पद्धति अलग होती है, लोहे के चाकू से आप यदि उसको निकालते हो सोना तीन कण में, सुन रहे कि नहीं, आओ यहां तो सोना बन गया। हाँ सारा सारा सोना हो जाएगा, और इस प्रकार बनाओगे तो फिर
फिर क्या लोहा भी सोना बन जाएगा है। लेकिन ध्यान रखो ताली बजने वाले से नहीं बनने वाला है। तो फिर क्या करना है, ये करना कि लोहे के संपर्क के बिना नींबू में से पानी रस आ जाए और उसका इसके साथ संबंध हो जाएगा। ठीक है, भागता भागता कर लिया, यहाँ तक तो आया हुआ थका, कर लिया सोना बन गया। तो पूछने के लिए आता, आपने पहले क्यों नहीं बताया? देखो कोई बात पूरी पूरी बताई नहीं जाती, गुरु तो वो होता है सब कुछ बता देगा, किंतु एक रात बोलो एक आध मंत्र बचा करके हाँ रखता है, तभी वह उसको महत्व होता है। इतने 12 वर्ष के उपरांत भी वह पूर्ण कार्य नहीं होता, किंतु यह है। इतना ही नहीं, कर्ण को जब इनके लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप हुआ था वो भी सुनने योग्य है। वह सब कुछ सीख लिया था क्षत्रिय होने के नाते, किंतु शल्य के साथ सीखा था। ये सब गुरु को जब ज्ञात हुआ तो गुरु जी ने कहा तुम्हारा मंत्र सिद्ध तो होगा लेकिन अवसर पर वह काम में नहीं आएगा। ये देखो कितना बड़ा मंत्र है, ये काम में आता है तो गुरु का वह संपर्क का सूत्र उसके साथ काम में आता है। इसलिए गुरु उन्हीं से प्रभावित होते हैं जो व्यक्ति जैसा कहा है वैसा हाउ सीख लेता है। बुंदेलखंड वालों, अब हाउ तो सीख लिया लेकिन हाउ के टोन में बहुत अंतर है। इसलिए काम को पूर्ण करना चाहते हो तो उसमें लोहे के संपर्क, लोहे क्यों, लोहा हमेशा हमेशा जंग खाने वाली वस्तु है। वह स्वर्ण और लोहा इन दोनों की जाती भिन्न भिन्न है, इसलिए आप लोगों के पास मात्रा सोने की कम और मोल, यदि शुद्ध लोहा है तो मैं कह दूंगा बहुत अच्छा है, लेकिन शुद्ध लोहा भी आजकल मिलता ही नहीं, आज कोई भी शुद्ध नहीं मिलता। हाँ स्टील तो आ गया है लेकिन शुद्ध सोना नहीं है। इसलिए सोने के रस में होता नींबू का ही रस होता है, किंतु उसको उससे बचा करके करना चाहिए। जंग खाता है, खाने की क्षमता रखता है तो उसके कारण वह पीला तो बन जाएगा किंतु स्वर्ण के गुण उसमें नहीं आएंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा भी कुछ सुनने में आ गया होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आवश्यक होता है। कड़वी दवाई हो तो दवाई को जो है ना हम दवाई ही कहेंगे, उसको मीठा बनाने की आवश्यकता नहीं। और वो आजकल बहुत जल्दी शुगर कोटेड कर देते हैं और शुगर की बीमारी से दूर भी रहना चाहते हैं, कैसे बनाओगे आप? हाँ इसलिए भारत की क्या चीज बुरी है यही है, उसको नहीं समझना ही बुरा है, बाकी सब ठीक ठाक है। कल एक आए थे ना, उन्होंने बताया था कि नीम की इतने से लकड़ी भी आपके लिए 1000 कितने डॉलर है, हाँ सैकड़ों डॉलर में उसकी कीमत है, उसमें क्या है और कुछ नहीं। उन्होंने दृश्य टाइप बनाया और बस उससे दांतुन करो, बस उसका नाम इंग्लिश में रखा, बस ये हो गया भारत गायब इंडिया। अब क्या करें, इस प्रकार कहने से कुछ नहीं होता। जो अतिक्रमण के रास्ते हैं उनको पहले बंद कर दो, और भले ही अपना द्वार छोटा हो मजबूत हो उसमें कोई प्रवेश न हो सके। अभेद्य व किला रूप धारण करता है, तभी भारत को बचा सकोगे, पहचान सकोगे, नहीं है तो नहीं। इसलिए हमें चिरायु की आवश्यकता, सब लोगों को कह देना
क्योंकि चिरायु कोई बनता नहीं भगवान को छोड़कर के। एक बार जिंदगी पाई तो वह मृत्यु नहीं हो सकती, ये भगवान के पास जीवन है। हम उस प्रकार बढ़ना चाहते रहे लेकिन उस प्रकार की साधना अनिवार्य है। अहिंसा परमो धर्म। हेलो हेलो, हमारे बीच में श्रीमती सुधा मलैया और पूर्व विधायक श्री सुनील जैन जी भी हैं, वो आए और आचार्य भगवान को श्रीफल भेंट करें। एक